पढ़ाव करने के लिए। सुख शांति अमन चैन कतई प्रिय नहीं है। यह लोग भ्रष्टाचार के हमेशा केंद्र में रहे हैं और भ्रष्टाचार फैलाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। फिर एक आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने बीजेपी सरकार विकास के मामले में आपने राशन कार्ड वगैरह बताया, माफिया राज खत्म हुआ जी। फिर एक बार हम सुनना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी पूरा मनोयोग से माननीय योगी जी ने दलित गरीब पिछड़ा वर्ग के लोगों को विकास के मुख्य धारा से किस प्रकार से जोड़े उसके लिए कार्य किया। इसी कार्य में जो है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जो हैं, जो गरीब दलितों के ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का काम करते थे, उसको माननीय योगी जी ने रोकने का काम किया और उठा करके जेल में कसने का काम किया। यही मुख्तार अंसारी पंजाब के जेलों में जाकर के राज भोगते थे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से याचिका पड़ी और उसने कहा कि आप अपने जहाँ के अपराधी है वहाँ पर जाइए, अयोध्या जिला आकर के उनको देखिए कहाँ बंद किए हैं, जहाँ का उनका स्थान होना चाहिए वहाँ पर स्थान है। यही मुख्तार अंसारी थे कि गरीबों की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया करते थे, लेकिन आज जितने भी उन्होंने ज़मीन कब्जा किया है उसको डेमोलाइज करके बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जाने जाने लगे हैं। बुलडोजर से ज़मीन को अवैध कब्जा को हटा करके उस पर जो है गरीबों के लिए आवास बनाने का काम योगी जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुनः बीजेपी सरकार चाहती है, निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने और पुनः जो है विकास के धारा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता रहे। संजू भाई, ये आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी सरकार चाहते हैं। जी 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 हाँ सर, हम इनको ये एक जानकारी दे दें। अभी इन्होंने कहा हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तानाशाही सरकार है, आपको बता ही दिए तो पहले क्यों नहीं गैर जमानती वारंट जारी हो गया मौर्य पे। उससे बड़ी बात किसको टैबलेट मिला है ये बताएं। चुनाव में फंस गया, आचार संहिता में फंस गया उनका टैबलेट, और बोल रहे हैं राशन कार्ड की, तो धरातल पर जाते नहीं है लोग और बैठ करके यहीं से टीवी समाचार देख करके बोल देंगे। लगभग हर गांव में 50% 40% 40 से 50% तो लोगों का राशन कार्ड से वंचित है, धरातल पर ही पता लगेगा, यहाँ से बोलना बहुत आसान होता है। बस आपने कहा उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ, गुंडा राज खत्म हुआ। हाँ, जो माफिया सब बीजेपी में चले गए हैं तो खत्म है, जो बचे हैं उनको जेल भेज रहे हैं। अभी देखिए आपको एक साधारण चीज़ बता रहे हैं, खुशी दुबे थी एक, वो जेल में है, कुलदीप सिंह सेंगर थे, उन्होंने 4-5 लोग हत्या करवाए, पीड़िता की, उसके अधिवक्ता की, उसके भाई की, उसके चाचा की, उसकी पत्नी की क्या दोष था, वो जेल में है। और कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी कहाँ है ये बता दे हमको, वो कहाँ है, वो बाहर है, उसको भी जेल भेजिए, ऐसा नहीं हुआ ना। तो ये लोग जो हैं जो इनमें हैं उनको छोड़ रहे हैं और जो इनमें नहीं है बीजेपी में नहीं है उनको जेल भेज रहे हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में तानाशाही सरकार खत्म हो, न्याय हो लोगों के साथ। माफिया राज, हाँ बस पार्टी के खिलाफ बोलेंगे जेल जाएंगे। उसके पहले आपके दल में किस दल की सरकार बना? देखिए उससे पहले जो था, हम जिस दल में भी हो हम वोट किए थे विकास के लिए किए थे, ठीक है ना, बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन इस बार सिस्टम सही नहीं है। मंशा रहा कि आएंगे, परिवर्तन होगा, लड़कों को, बच्चों को, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम समझे आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, विभाग में अधिकारी सुनेंगे, चाहे रोजगार के सवाल पर उठ किया था, बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार मिलेगा जी, रोजगारी बेरोजगारी दूर होगी, ये बहुत ज़रूरी है ना, हमको तो चुनाव लड़ना नहीं है लेकिन जीने के लिए रोजगार तो चाहिए। बेहतर सुविधा कहाँ है, स्वास्थ्य जाइए जिला चिकित्सालय में पता कर लीजिए किस सरकार के देन है। बलिया में जो भी बना है, कौन सी सरकार जो है बनाई है, चाहे वो पुल हो हमारा जनेश्वर मिश्रा सेठ, विश्वविद्यालय हो, बीजेपी ने क्या किया है बलिया के लिए, जबकि यहाँ पर भी मंत्री जी दो लोग हैं ना, लगभग दो लोग, उपेंद्र तिवारी और शुक्ला जी मंत्री हैं, तो यही बताएं, महोदय कह रहे हैं इस सरकार में द्वेष की भावना से काम हो रहा है जो गलत है। निजीकरण के सवाल पे आए, निजीकरण के सवाल पे इन्होंने कहा कि निजीकरण देश और प्रदेश की सरकार निजीकरण को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। इनका कहना यह बिल्कुल गलत है कि निजीकरण के आने से व्यवस्थाएं सही नहीं होती है। आप जाकर के प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को देख लीजिए, जितने बैंक हैं उनके यहाँ मिनटों में जाइए आपका कार्य हो जाता है। यही स्टेट बैंक में आप चले जाइए सरकारी है,
वहीं पर बैठकर कर्मचारी लूडो खेलता रहता है, मोबाइल में कहता है कि लिंक फेल है, ये उनको अच्छा है। जनता को परेशान करना इनकी हमेशा से नियत रही है और यही वो चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि जनता के सुख सुविधाएं प्राप्त हो। रेलवे के निजीकरण की बात केवल कह रहे हैं, ऐसा कोई सरकार का कोई गजट नहीं जारी हुआ है जिसमें रेलवे का निजीकरण कर दिया गया है। हाँ, एक जो है वंदे भारत करके वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी जो कि वाराणसी से दिल्ली की सफ़र मात्र 8 घंटे में कराती थी। अगर ऐसा व्यवस्था हो जाता है तो लोगों का समय बचेगा, समय का लोग सदुपयोग करेंगे। देखिए, जो भी निजीकरण की व्यवस्था है अगर उस व्यवस्था से जनता को लाभ होता है, जनमत का उस पर राय होना चाहिए। अगर जनमत कहती है कि नहीं निजीकरण हो जिससे बेहतर सुविधा मिले तो निजीकरण होना भी चाहिए। निजीकरण होना चाहिए लेकिन उसमें गरीब लोगों को भी राहत मिले। तमाम प्राइवेट जो हैं हॉस्पिटल हैं जहाँ पर गरीब लोग इलाज नहीं कर सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मामला निजीकरण का मुझे उतना महत्व नहीं देता है जितना कि गरीब लोगों को वहाँ पहुँच जाए, ये ज़रूरी है। बलिया में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं है, ये भी देख लीजिए, पता नहीं कहाँ सब हॉस्पिटल बना देते हैं। अभी कोविड आया था, बहुत लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, जिसके घर के लोग मरे हैं वो जानते हैं। अब माइक पर और टीवी में दिखा देने से कुछ नहीं होता है।